नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज लंदन में कुछ लोगों ने ईवीएम की हैकिंग के नाम पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की बहुत बड़ी कोशिश की है। अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने भारत में चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम्स की हैकिंग का दावा किया है और इस आदमी का नाम है सैयद शुजा और इसने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम्स हैक कर ली गई थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाए जाते हैं ये देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। बड़े बड़े देशों के नेता ये देखने के लिए यहां आते हैं कि इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते कैसे हैं। ऐसे में एक साइबर एक्सपर्ट द्वारा अपना मुंह ढककर, अपना चेहरा छुपाकर ऐसे आरोप लगाना अपने आप में शक पैदा करता है। जिस जगह पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल भी मौजूद थे और कपिल सिब्बल की वहां पर मौजूदगी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है जिसका कांग्रेस को जवाब देना होगा। भारत के चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया अभी दे दी है और उसने कहा है कि इस साइबर एक्सपर्ट के दावे को उसने खारिज किया है और कहा है कि इस मामले की जांच करके कानूनी कार्रवाई होगी। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के मीडिया ने बिना सबूत मांगे इस हैकर की बात पर यकीन कर लिया और इसे सबसे बड़ी हेडलाइन बना दिया। ये मीडिया का वही वर्ग है जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता है, देश विरोधी नारों के सबूत मांगता है, अफजल गुरु और याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों के लिए भी सबूत मांगता है। आज हम ईवीएम्स की हैकिंग के नाम पर हो रहे इस कॉमेडी शो का डीएनए टेस्ट करेंगे क्योंकि इस हैकर से अभी तक किसी ने सबूत नहीं मांगे। ये हैकर अपने चेहरे को छुपाता है और अब तक एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया अपनी बात को साबित करने के लिए। -11 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किसी भी इंसान की बोलती बंद हो जाती है और जोश ठंडा हो जाता है। हमारे देश के उत्तरी इलाकों में जरा सी ठंड पड़ते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, लेकिन हमारे देश के जांबाज सैनिकों का जोश कभी कम नहीं होता, उनका जोश हमेशा हाई रहता है। आज जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एक एनकाउंटर में भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार दिया। इस दौरान हमारे जवानों पर स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की, लेकिन जवान विचलित नहीं हुए और अपने मकसद पर डटे रहे। इस एनकाउंटर की तस्वीरें आज आप सबको देखनी चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि बर्फबारी के बीच आतंकवादियों का मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। और इसके बाद आज हम आपको अमीरी और गरीबी के नए आंकड़े दिखाएंगे। जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब हो रहे हैं। 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों में मजदूरों के यूनियन लीडर ऐसे ही डायलॉग मारते थे और दुख की बात यह है कि आज 2019 में भी स्थिति बदली नहीं है। पिछले एक वर्ष में दुनिया के अरबपतियों की संपत्ति 12% बढ़ गई जबकि गरीबों में शामिल दुनिया की आधी आबादी की दौलत 11% घट गई। भारत को गरीबों का देश कहा जाता है क्योंकि गरीबों की संख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अमीरों की संख्या के मामले में भारत 6 नंबर पर है। यह हाल तब है जब भारत में हर राजनीतिक पार्टी, हर नेता इसी वादे और नारे के साथ सत्ता में आते हैं कि वो गरीबों को खत्म कर देंगे, गरीबी को खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म करते हैं गरीबों को। लेकिन सच्चाई है कि नेता सिर्फ अपनी गरीबी दूर करते हैं जबकि आम लोग अपना वक्त बदलने का इंतजार करते रहते हैं और सोचते हैं एक दिन उनका समय भी आएगा। अमीरों और गरीबों के बीच की यह खाई आज एक डीएनए टेस्ट की मांग करती है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी में आज लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया गया कि भारत में ईवीएम हैक हो सकती है। एक अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने इस कार्यक्रम में दावा किया कि 2014 के चुनावों में ईवीएम हैक की गई थी। जिस ईवीएम के आधार पे हर राजनीतिक दल जीता है या हारा है, कांग्रेस तो कई बार जीती है, क्या उन्हें शोभा देती है वो भी विदेश में बैठकर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर में ऐसे प्रश्न उठाना और एक हमारे नेता की मृत्यु को इसके साथ जोड़ना, कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर लगाए गए आरोप निराधार हैं। आयोग इस मामले में कानूनी कार्रवाई के पहलुओं पर विचार कर रहा है। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इस आयोजन में चुनाव आयोग को भी न्योता देने का दावा किया गया। चेन्नई के लोयला कॉलेज में विवादित पेंटिंग प्रदर्शनी के मामले में तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। All pictures placed on the exhibition is against the sovereignty of the India, against the 130 crore people's
President, Prime Minister of India, Narendra Modi ji, and all the sentiments of Hindus and particularly Hindu gods. So it is a highly condemnable. लोयला कॉलेज ने इस मामले में ये कहते हुए माफी मांगी है कि प्रशासन की जानकारी के बिना पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई। 19 और 20 जनवरी को आयोजित प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ आपत्तिजनक पेंटिंग लगाई गई थी। कि मैं निंदा करता हूं, आज प्रधानमंत्री जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है बल्कि देश के 130 करोड़ लोग हैं उनके नेता हैं, और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत उसके प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार से पेंटिंग बनाना, अपमान करना, ये देश का अपमान है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। सुरक्षा बलों को आज सुबह चरारे शरीफ के जीन पांचाल में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घेरेबंदी में फंसने के बाद आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद -5 डिग्री सेल्सियस में जवाबी कार्रवाई की गई। एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बेटे विवेक डोवाल ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अंग्रेजी मैगजीन कारवां के खिलाफ मानहानि केस की अर्जी दी है। दिल्ली की अदालत इस पर कल सुनवाई करेगी। कारवां मैगजीन ने विवेक डोवाल पर नोटबंदी के बाद कैमन आइलैंड में एक कंपनी रजिस्टर्ड कराने और उसके जरिए भारी निवेश करने का आरोप लगाया था। इसी रिपोर्ट को नोटबंदी से जोड़ते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने डोवाल परिवार पर सवाल उठाए थे और विवेक डोवाल की GNY एशिया फंड कंपनी की तुलना डी कंपनी से की थी। They are using me, they are attacking me to target bigger people, they are to attack my brother, my father. विवेक डोवाल ने कहा कि GNY एशिया फंड कंपनी नोटबंदी के बाद नहीं बल्कि 2013 में ही बन गई थी। कारवां और जयराम रमेश के आरोपों पर वो सारे सबूतों के साथ कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। I have given all the facts at my disposal. All the accusations that they have actually made are in my complaint, etc. And I have laid in front of them all the details in front of the court. Now the matter is sub judice. कर्नाटक के सिद्ध गंगा मठ के प्रमुख संत शिव कुमार स्वामी का आज निधन हो गया। लिंगायत समुदाय के महान संत शिव कुमार स्वामी 111 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार 22 जनवरी को दोपहर 4:30 पर होगा। कर्नाटक सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। शिव कुमार स्वामी को उनके अनुयायियों के बीच जीवित भगवान कहा जाता था। संत शिव कुमार स्वामी 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवा के अवतार के रूप में लोकप्रिय थे। बीकानेर लैंड केस में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां को 12 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी के सभी सहयोगियों को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होकर सहयोग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। इस स्टेज पर जब केवल फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की स्टेज है, कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और इसी बिंदु पर एक जजमेंट भी मैंने साइट किया और कोर्ट ने उसको पढ़ा, कोर्ट उससे कन्विंस हुए। प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर के कोलायत में 275 बीघा जमीन खरीद की जांच कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 2021 में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना होने पर पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है। जहाँ तक जैसे बिहार में पिछड़े वर्गों का क्लासिफिकेशन किया गया है, उसी तरह से हम लोगों की शुरू से राय है कि केंद्र में जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें भी इस तरह से पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण होना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू करने के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। विपक्षी दलों के महागठबंधन पर कल प्रधानमंत्री मोदी के बाद आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हमला किया। मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका गए जेटली ने मोदी बनाम अराजकता नाम से फेसबुक पोस्ट में लिखा, 2019 का चुनाव पीएम मोदी वर्सेज शोर है। ये चुनाव मोदी बनाम अव्यवहारिक गठबंधन होगा या मोदी बनाम अराजकता। जेटली ने आगे लिखा, मोदी की वापसी के डर से दल साथ आ रहे हैं, लेकिन जागरूक समाज सामूहिक आत्महत्या नहीं करता, वो भेड़ चाल में नहीं चलता।
कल मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा था कि जनता अराजकता को नकारेगी और मोदी को फिर से पीएम चुनेगी। महागठबंधन मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस बात से डरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने आज कहा कि ममता बनर्जी भी पीएम बनने के लायक है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी और राहुल गांधी के अलावा भी नेता देश चला सकते हैं। इस देश में बहुत से बड़े काबिल नेताएं हैं जो मोदी और राहुल गांधी से अच्छी सोच रखते हैं और यकीनन वो इस देश को नई राह दिखेंगे, एक नया भारत बनाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल पश्चिम बंगाल के मालदा में रैली करेंगे। ममता सरकार ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर को एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत देने से मना कर दिया था। आज बीजेपी को मालदा के एक होटल के पास लैंडिंग की अनुमति मिल गई। सरकारी पद का दुरुपयोग करके किसी प्रकार से बीजेपी की रैली को रोका जाए। सबके हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं लेकिन अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, यही है ममता जी की तानाशाही। वहीं ममता बनर्जी ने सफाई दी कि शाह के हेलीकॉप्टर को सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। अमित शाह की पश्चिम बंगाल में 5 रैलियां होनी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की भी 4 रैलियों का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। पीएम 28 जनवरी को सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में, 31 जनवरी को ठाकुर नगर में और 8 फरवरी को आसनसोल में रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण होकर रहेगा, वो भारत की नागरिकता छोड़ने से बच नहीं पाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्थिक भगोड़ों को वापस लाने के लिए ही केंद्र सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2018 पास किया था। जितने भी हमारे इकोनॉमिक अफेंडर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से, ठीक है समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लीगल प्रोसेस भी होते हैं जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो निश्चित रूप से वो भारत आएंगे, कोई बचेगा नहीं। राजनाथ सिंह ने यह दावा भगोड़े मेहुल चौकसी की भारतीय नागरिकता छोड़ने के बाद किया। मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता लेने के बाद भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। लखनऊ से जयपुर जा रहे एक विमान का इंजन आज उड़ान के दौरान खराब हो गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E451 ने लखनऊ से उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद ही आवाज के साथ एक इंजन बंद हो गया। काफी देर तक विमान एक इंजन पर ही उड़ता रहा, जिसके बाद पायलट ने वापस लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। विमान के सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंडिगो एयरलाइंस कई बार यात्रियों को मिलने वाली सेवाओं को लेकर विवादों में रही है। आमतौर पर हम डीएनए की शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं, लेकिन आज हम दिन के सबसे बड़े मजाक के साथ डीएनए की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज लंदन में एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है। अब आप सोचिए, अमेरिका का एक हैकर, साइबर हैकर, लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और भारत के लोकतंत्र पर कई गंभीर आरोप लगाता है। कहता है 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो हैक्ड है। वो ये भी कहता है 2015 में जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी ईवीएम हैक कर ली गई थी। अब सवाल यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जब दुनिया की इस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव होते हैं तो पूरी दुनिया के लोग इन चुनावों को देखने के लिए आते हैं, इनसे सीखने के लिए आते हैं, ताकि वो ये समझ सकें कि निष्पक्ष चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कैसे करवाए जाते हैं। लेकिन आज भारत के लोकतंत्र की निष्पक्ष छवि पर बट्टा लगाने का काम एक अमेरिकी हैकर ने किया है और ये काम लंदन में हुआ है, जहां एक कथित हैकर ने आज बड़े बड़े दावे किए हैं। आज लंदन में ईवीएम की हैकिंग के नाम पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश हुई। अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने भारत में चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की हैकिंग का दावा किया है। इस आदमी का नाम है सैयद शुजा और इसने कहा है कि भारत में 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान ईवीएम हैक हुई थी। उसने यह भी दावा किया है कि भारत में कई चुनावों के दौरान ईवीएम हैक की गई है। आप अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरों पर गौर कर रहे होंगे तो ये देख पाएंगे कि इन तस्वीरों में पीछे स्क्रीन पर एक व्यक्ति अपना चेहरा ढककर नजर आ रहा है। इस व्यक्ति का नाम सैयद शुजा है और ये खुद को अमेरिका का एक साइबर एक्सपर्ट बताता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद शुजा
अमेरिका से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े बड़े दावे कर रहा था। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद शुजा ने अपना चेहरा ढका हुआ था, यानी वो अपनी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखना चाहता है। नाम तो बताना चाहता है लेकिन चेहरा छुपाना चाहता है। क्यों छुपाना चाहता है, इसका जवाब यही आदमी दे सकता है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अजीबोगरीब थी। किसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, इसके पीछे क्या मंशा है, आज एक एक करके हम आपके सामने डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े दावे क्या हैं। पहला बड़ा दावा है 2014 का लोकसभा चुनाव में ईवीएम हैक किए गए थे, वही चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने चुनाव जीता था। दूसरा दावा, कई और विधानसभा चुनावों के दौरान भी ईवीएम हैक किए गए हैं, जिसमें प्रमुख है 2015 का दिल्ली का विधानसभा चुनाव जिसमें अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री बने थे। एक और बड़ा खुलासा इस आदमी ने यह किया है कि गोपीनाथ मुंडे, जो बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे और मंत्री भी थे एनडीए की सरकार में, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस हैकर का कहना है कि गोपीनाथ मुंडे हैकर्स से बीजेपी की तरफ से टच में थे, संपर्क में थे और उनका इसमें हाथ हो सकता है। और गोपीनाथ मुंडे की जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी वो मृत्यु नहीं थी, वो हत्या थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित की गई थी, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और इन तस्वीरों में आपको कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कपिल सिब्बल वहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि कपिल सिब्बल को जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बुलावा आया था, उन्हें इनवाइट किया गया था। यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले लोगों ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी इस सम्मेलन में बुलाया था। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इसमें न्योता दिया गया था। कांग्रेस अब यह कह रही है कि कपिल सिब्बल निजी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे। हम आपको बता दें कि कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के तो बड़े नेता हैं ही और वो एक बहुत बड़े वकील भी हैं, लेकिन साथ ही कांग्रेस की जो पुरानी सरकार थी उसमें वो कानून मंत्री रह चुके हैं और आईटी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सवाल यह भी है कि जब भारत का चुनाव आयोग ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टियों को चैलेंज करता है तब ये पार्टियां चुनाव आयोग के दफ्तरों में नहीं पहुंचती, लेकिन जब कोई हैकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाता है तो कांग्रेस उन दावों को बिल्कुल सच मान लेती है। और कांग्रेस ही क्या, इस देश का आधा मीडिया भी इन दावों को सच मान लेता है और बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी के इतने बड़े नेता को भी कांग्रेस पार्टी ने भेज दिया। अब आप समझ सकते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। इधर भारत के चुनाव आयोग ने भी इन आरोपों का संज्ञान ले लिया है और कहा है कि भारत में ईवीएम से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ईवीएम टेंपर प्रूफ है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई के पहलुओं पर भी विचार कर रहा है। अब उन सवालों पर आते हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए। पहला सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग पर है। आज ये सवाल हम उठा रहे हैं इन लोगों से जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग देखिए, क्योंकि भारत में लोकसभा चुनाव होने में अब 100 दिनों से भी कम का समय बचा है और विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाती रहती हैं। यानी चुनावों से जब देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव, उससे ठीक पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता नजर आते हैं। आज इस हैकर ने अपने दावों को सही ठहराने के लिए बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे का नाम भी लिया और कहा कि गोपीनाथ मुंडे को ईवीएम हैक किए जाने की जानकारी थी, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। इस पर भी बहुत सवाल उठते हैं क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया गया जो अपना बचाव करने के लिए अब खुद इस दुनिया में मौजूद नहीं है। किसी मृत व्यक्ति के नाम पर आप कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कोई भी जानकारी दे सकते हैं और कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था या किया था या उस व्यक्ति को यह जानकारी थी। इसलिए वह सोच समझकर गोपीनाथ मुंडे जैसे एक सीनियर नेता का नाम लिया गया है जो अब इस दुनिया में नहीं है, ताकि उस बात का कोई सबूत ना मांगा जा सके। इस व्यक्ति का दावा है
कि वर्ष 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ईवीएम में हैकिंग होने से उन्हें रोका था, इसलिए आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीती थी। ये दावा किया कि 2014 में हैकिंग की वजह से कांग्रेस 201 सीट हारी थी, यानी कांग्रेस ने जो सीटें हारी 2014 के चुनाव में वो हैकिंग की वजह से हारी थी। उसने ये भी दावा किया कि गौरी लंकेश नाम के जो पत्रकार हैं जिनकी हत्या हो गई थी, गौरी लंकेश हैकिंग की इस खबर को छापने वाली थी, इसलिए उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। आज हमने इस व्यक्ति के बारे में पता करने की कोशिश की और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये सैयद शुजा नाम का व्यक्ति है कौन और ये कहां का रहने वाला है और इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है और वो ये सब क्यों कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन हमें अभी तक कुछ पुख्ता तौर पर नहीं पता चल पाया है। ये व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है कि इसकी बात को या तो समझा जाए और ना ही इसके बारे में कोई खास रिसर्च उपलब्ध है। इसलिए हम आपसे आज यही कहेंगे कि इस व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। इस व्यक्ति की विश्वसनीयता क्या है, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है, इस व्यक्ति ने किस किस से सांठगांठ की है, इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए ये कोई ऐसे कद का व्यक्ति नहीं है, ऐसे स्टेचर का व्यक्ति नहीं है जिसकी बात पर विश्वास कर लिया जाए। So basically, can you tell us a little bit now, this story that you've been telling us, you've been out of India since 2014. Yes. Now, is it your belief that what happened, as you are claiming, in 2014 has continued to happen? It is happening as we speak. The Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh election, if we wouldn't have my team who's still in India, they intercepted the transmission. With that interception, you know, we still, like I said, we don't have too much of resources, but we still wanted to see how free and fair the election could be possible. With the help of that transmission interception, the election results were very close in Madhya Pradesh. You know, one seat was up, one seat was down. If Election Commission agrees to count the VVPAT, the entire one of it, you will see a complete discrimination between the EVM data and the VVPAT data. Reliance Communication, the Jio, they have the network to transmit the data. BJP is obviously the beneficiary in the entire exercise because they are doing it. And those who are allies of BJP is getting benefit from the same. There are about 9 stations in India where they have the facility to do the transmission. And those who are working in that facility, even they don't know that they are tampering with EVM. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही आशंका जताई थी कि अब चुनाव नजदीक आते ही ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे और विपक्षी पार्टियां हार के बहाने तलाशने शुरू कर देंगी। अभी से इन लोगों ने हार के बहाने भी बताने शुरू कर दिए। अभी से ही ईवीएम को विलेन बनाया जा रहा है। यह स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन चिंता की बात तब होती है जब कुछ दल जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं और इसलिए बार बार अपना रंग बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मैं फिर एक बार कहूंगा कि यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक खेल है, चिंता का। एक ऐसा साइबर एक्सपर्ट जिसे कोई जानता नहीं, एक ऐसा साइबर एक्सपर्ट जो अपना चेहरा ढककर आरोप लगा रहा है, ऐसा आदमी जिसकी विश्वसनीयता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका ऐसा आरोप लगाना अपने आप में शक पैदा करता है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। अब आपको यह दिखाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल की मौजूदगी पर कांग्रेस पार्टी क्या सफाई दे रही है। मूल बात है कि आज विश्व भर में मुश्किल से 5-6 देश बचे हैं जो इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं,
और जो बहुत विकसित देश हैं, कई प्रदेश यूएसए में, जर्मनी, हॉलैंड इत्यादि में जहाँ था ये प्रचलित, वहाँ भी डिसकंटिन्यू हो गया है, रोक दिया गया है। अफ्रीका के कुछ देश और भारत करते हैं। तो आदर्श स्थिति ये होगी हमारे अनुसार, वो सभी पार्टियों के अनुसार जो कोलकाता में थी, कि हम वापस फिजिकल बैलेट पे चले जाएं। जहाँ तक लंदन का सवाल है, और ये मेरा छठा सूत्र है, देखिए पहले तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि कांग्रेस का ऐसे कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस ने ये आयोजित किया है, न कोई कहता है कि कांग्रेस ने आयोजित किया है, सिवाय बीजेपी जो बरगलाना और बहकाना चाहती है। कपिल सिब्बल जी ने खुद ने यह स्पष्ट किया है कि वो वहाँ पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आशीष रे जो ये पत्रकारों के संगठन के ऑफिस बेरर हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया और वो गए उस निमंत्रण के आधार पे और भी कुछ काम के साथ, इस काम को देखने भी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईवीएम जो है वो अपने विश्वसनीयता के कसौटी पर हर बार खरी उतरी है। अभी जो है वो तीन राज्यों के चुनाव हुए जिसमें कि कांग्रेस पार्टी जीती है, इसी ईवीएम के जरिए जीती है। 10 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में राज किया, इसी ईवीएम के माध्यम से वो जीते हैं। कई राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार रहा हो, चाहे बंगाल हो, या देश का और हिस्सा रहा हो, वहां पर भी ईवीएम से ही चुनाव हुए। हमें लगता है कि कांग्रेस ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, बल्कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग को कुछ भारत विरोधी ताकतों ने हैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि साहब ईवीएम के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी जो है ईवीएम को बदनाम करेगी पूरे देश में घूम घूम करके। तो उन्होंने देश में तो कोई उस बात को समझने वाला और स्वीकार करने वाला मिला नहीं, तो वो सीधे लंदन पहुंच गए और विदेश पहुंच गए। और विदेश में जो है वो कुछ ऐसी ताकतें जो ताकतें कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुश्मन रही हैं, ऐसी ताकतों से गठजोड़ करके इस तरह की हरकतें और इस तरह के षड्यंत्र और साजिशें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत से फ्रीलांसर्स भी हैं। कांग्रेस वहां नहीं थी, कांग्रेस के जो यहां से सुपारी लेके गए थे व्यक्ति वो तो दिख रहे थे। और दूसरी चीज ये कि कांग्रेस पार्टी के बहुत से फ्रीलांसर्स हैं जो कभी कभी पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं कि साहब मोदी जी को हटाने में पाकिस्तान हमारी मदद करे। तो ये कोई कांग्रेस का कोई नया जो है वो शगुफा नहीं है, नई साजिश और षड्यंत्र नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि इस हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज हमारे देश के तमाम डिजाइनर पत्रकारों ने और मीडिया हाउसेज ने पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा कर लिया, जैसे कि ये सारे लोग सिर्फ इसी का इंतजार कर रहे थे। और जैसा हर बार होता है, ये वो लोग हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि आज इस व्यक्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इसने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। ये व्यक्ति कौन है, विश्वसनीयता क्या है, इससे पहले इसने क्या किया है, क्या बैकग्राउंड है, कोई नहीं जानता। ये जो कह रहा है उसके सबूत इसके पास हैं या नहीं ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने कोई सबूत पेश नहीं किया। लेकिन हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों ने चुपचाप बड़ी खुशी खुशी आंख बंद करके इस हैकर पर विश्वास कर लिया। और अभी अगर आप देखेंगे तो चाहे सोशल मीडिया हो या बाकी जगह, सब जगह यही खबर चल रही है। ये तमाम वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय फौज करती है, सेना करती है, तो उसके सबूत मांगते हैं। कहते हैं कि सबूत नहीं देंगे तो हम कैसे माने कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है नहीं। लेकिन जब ऐसा एक गुमनाम हैकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ईवीएम हैक करने का दावा करता है तो उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। आपको याद होगा ये सारे लोग वो हैं जो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को फांसी दिए जाने से पहले सारे सबूत मांगते हैं कि कैसे मान लें कि यह आतंकवादी था। वैसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। आपको याद होगा इससे पहले जब भी बीजेपी कोई चुनाव जीतती थी तो विपक्षी पार्टियां हमेशा ईवीएम हैक होने का ही आरोप लगाती थी। लेकिन दिसंबर के महीने में कांग्रेस देश के 3 बड़े राज्यों में चुनाव जीत गई। आपको याद होगा, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तीनों राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव जीता। और जब यह चुनाव जीत लिया कांग्रेस ने, उसके बाद एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप नहीं लगाया कि ईवीएम को हैक किया गया था। हालांकि जब ये नतीजे आने वाले थे उससे कुछ दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था और तब, यानी नतीजे आने से पहले, ईवीएम पर सवाल उठाए थे। अब आप देखिए राहुल गांधी ने क्या लिखा था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स
इट्स टाइम टू बी विजिलेंट इन एमपी ईवीएम्स बिहेव्ड स्ट्रेंजली आफ्टर पोलिंग सम स्टोल अ स्कूल बस एंड वैनिश्ड फॉर टू डेज अदर्स स्लिप्ड अवे एंड वर फाउंड ड्रिंकिंग इन अ होटल इन मोदीज इंडिया द ईवीएम्स हैव मिस्टीरियस पावर्स स्टे अलर्ट अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप अलर्ट रहिए और ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन जैसे ही चुनाव जीते उनके ये सारे दावे गायब हो गए ये सारे शक दूर हो गए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और अपना पक्ष रखा है बीजेपी की तरफ से उन्होंने लिखा है वॉज द इलेक्शन कमीशन एंड मिलियंस ऑफ स्टाफर्स इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग ऑफ ईवीएम्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट इन कल्यूजन विद द बीजेपी एब्सोल्युटली रबिश Does the Congress feel that the people are so gullible that they will swallow any garbage? Insanity in the Congress party is increasingly becoming contagious. ये उनका जवाब है ऐसे तमाम लोगों को अब सवाल यह है कि क्या भारत को बैलेट पेपर के युग में वापस चले जाना चाहिए क्या भारत को ईवीएम का त्याग कर देना चाहिए इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें ईवीएम और बैलेट पेपर का एक तकनीकी विश्लेषण करना होगा सबसे पहले ईवीएम की सुरक्षा का विश्लेषण आपको दिखाते हैं कि ईवीएम कितनी सुरक्षित हैं या नहीं है जब ईवीएम का निर्माण होता है तो किसी को यह नहीं पता होता कि बैलेट यूनिट्स पर किस पार्टी के उम्मीदवार को कहां जगह मिलेगी जब उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो जाती है तभी बैलेट यूनिट्स पर प्रत्याशियों के नाम सामने आते हैं इन ईवीएम्स को एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है जहां तक पहुंचना आसान नहीं है पहले चरण में ईवीएम की जांच इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर्स करते हैं यह भारत सरकार का एक उपक्रम है इस प्रक्रिया में किसी और को शामिल नहीं किया जाता किसी भी चुनाव में इन मशीनों को किसी खास ऑर्डर या क्रमांक में नहीं भेजा जाता कोई भी मशीन किसी भी बूथ पर भेजी जा सकती है ईवीएम को लगाने का काम उम्मीदवारों या उनके पोलिंग एजेंट्स की निगरानी में होता है ईवीएम की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये यूआईडी उम्मीदवारों को भी दिया जाता है किसी भी बूथ पर वोटिंग शुरू होने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक मॉक पोल कराता है ये मॉक पोलिंग सभी उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स के सामने की जाती है ये एक तरह का ट्रायल होता है वोटिंग समाप्त होने के बाद इन मशीनों को उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स के सामने ही सील किया जाता है पोलिंग एजेंट्स चाहें तो मशीनों पर अपने हस्ताक्षर भी कर सकते हैं इसके बाद पोलिंग पार्टी मशीनों को एक निश्चित स्थान पर ले जाती है उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि अगर चाहें तो मशीनों को ले जाने वाले वाहन के पीछे पीछे भी जा सकते हैं निगरानी के लिए इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर इन मशीनों को एक स्ट्रांग रूम में रखता है और उम्मीदवार अगर चाहें तो स्ट्रांग रूम के ताले पर भी अपनी मोहर भी लगा सकते हैं उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि चाहें तो 2400 घंटे स्ट्रांग रूम पर नजर रख सकते हैं 2400 घंटे अपने प्रतिनिधि को स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ा करके रख सकते हैं बैठा के रख सकते हैं वोटों की गिनती वाले दिन स्ट्रांग रूम की सील उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के सामने ही तोड़ी जाती है हर मतदान केंद्र में एक रजिस्टर होता है जिसमें मतदाताओं के डिटेल्स होते हैं पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवार इन डिटेल्स का मिलान ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से कर सकते हैं ईवीएम लगाए जाने में के बाद स्ट्रांग रूम को सील किए जाने ईवीएम लगाए जाने स्ट्रांग रूम को सील किए जाने और स्ट्रांग रूम को खोले जाने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाती है यानी इसका पूरा वीडियो बनाया जाता है यानी एक ये एक मजबूत वोटिंग व्यवस्था है जिसमें छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है जीत चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की हो तृणमूल कांग्रेस की हो और किसी पार्टी की हो लेकिन जो प्रक्रिया है वो आज हमने आपके सामने रख दी है इसके अलावा ईवीएम में दो ऐसी विशेष बातें होती हैं जिसकी वजह से उसे हैक करना मुमकिन नहीं है ईवीएम किसी भी दूसरी मशीन से कनेक्ट नहीं होती है और ये इंटरनेट से भी जुड़ी नहीं होती जब इंटरनेट से नहीं जुड़ी है तो हैक कैसे होगी इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी इसे हैक नहीं किया जा सकता उसमें ऐसा कोई सर्किट नहीं होता जिसकी मदद से उसे ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट किया जा सके ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोग इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला लिया था इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी यानी वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को पारदर्शी चुनावों के लिए जरूरी माना था आपको बता दें कि वीवीपीएटी के जरिए मतदाता को यह पता चलता है कि उसने जिस प्रत्याशी के नाम का बटन दबाया है वोट उसी को गया यानी ये एक तरीके से रसीद की तरह होती है ये आपकी वोट का रसीद है
वीवीपीएटी एक प्रिंटर जैसी मशीन होती है। जब भी कोई वोटर ईवीएम मशीन पर किसी उम्मीदवार को वोट देता है तो वीवीपीएटी यूनिट से एक पर्ची निकलती है। एक तरह से आपके वोट का प्रिंटआउट है या समझ लीजिए उसकी रसीद है, जिसे वोटर कुछ सेकंड्स तक देख सकता है। इस पर्ची पर उम्मीदवार का नाम और उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, जिसे देखकर मतदाता को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसका वोट सही जगह ही गया है। जरूरत पड़ने पर इन पर्चियों की संख्या को वोटों की संख्या से मिलाया भी जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपीएटी का इस्तेमाल भी होगा, यानी इस बार का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें वीवीपीएटी का प्रयोग होगा। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों को ईवीएम पर अब भी भरोसा नहीं है। उन्हें ईवीएम पर भरोसा तभी होता है जब वो खुद चुनाव जीतते हैं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं। आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखेंगे तो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे इसमें कौन कौन से लूप होल है। अब हम बैलेट पेपर की का एक तकनीकी विश्लेषण करेंगे। हमने ईवीएम के बारे में आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब बैलेट पेपर जो कागज पर होता है उसके बारे में जानिए। बैलेट पेपर में कोई तकनीक नहीं होती, इसमें सब कुछ कागजों के जरिए होता है। देश में लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय वोटिंग बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के माध्यम से होती थी, लेकिन बैलेट पेपर पर किसी भी उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह छपा नहीं होता था, बल्कि वो पहले से छपा हुआ एक खास तरह का कागज होता था। जैसे ही मतदाता पोलिंग बूथ में जाता था तो चुनाव कर्मचारी उसे वो कागज देते थे और फिर वो उस कागज को अपने मनपसंद उम्मीदवार के बक्से में डाल देता था। यानी बहुत सारे बक्से हर लगे हैं, एक एक उम्मीदवार का एक एक बक्सा है। आपने बैलेट पेपर लिया, निशान लगाया और अपने उम्मीदवार उस बैलेट पेपर को आपने अपने उम्मीदवार के बक्से में डाल दिया। इसके बाद 1960 के दशक की शुरुआत में इस प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे। सोचिए तब भी सवाल उठते थे। और फिर 1961 में वोटिंग के लिए एक दूसरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इस प्रक्रिया के तहत बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवारों के निशान छपे होते थे और मतदाता को अपने मनपसंद उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने मोहर लगानी होती थी। 1961 में केरल में हुए विधानसभा चुनावों से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और यह प्रक्रिया 1999 के लोकसभा चुनावों तक जारी रही। हालांकि बैलेट बॉक्स से वोटिंग करवाने की यह प्रक्रिया पूरी तरह से फुल प्रूफ कभी भी नहीं थी, क्योंकि बार बार चुनावों में धांधली होती थी। आपने भी बहुत बार अखबारों में और अलग अलग जगह पढ़ा होगा कि उस जमाने में बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी और पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे। यानी जो पार्टियों के जो दबंग थे, उम्मीदवारों के जो दबंग समर्थक होते थे, वो पूरा के पूरा बूथ लूट लिया करते थे और बैलेट बॉक्स भी लूट लिया करते थे। बूथ कैप्चरिंग को आप एक तरह की मैनुअल हैकिंग कह सकते हैं। आज जिस हैकिंग की बात हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग है, लेकिन बूथ कैप्चरिंग जब होती थी वो मैनुअल हैकिंग है। यानी कुछ लोग, एक ग्रुप आया, उसने पूरे बूथ को हैक कर लिया, यानी उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और सारे बैलेट पेपर्स पर अपने हिसाब से ठप्पे लगा दिए। यानी ऐसी हैकिंग जो इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए नहीं, बल्कि इंसान खुद अपने हाथों से, अपनी ताकत के जरिए, हथियारों के जरिए और लोगों को डराकर उसके जरिए करता था, वो बूथ कैप्चरिंग होती थी। ईवीएम पर सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के नेता ही उठा रहे हैं या विपक्षी दल। असल में हमारे भारत में जो अभी तक की पृष्ठभूमि है और जो इतिहास कहता है वो ये है कि जो पार्टी हारती है वो ईवीएम पर सवाल उठाती है। एक जमाना ऐसा भी था जब बीजेपी के नेता ईवीएम पर सवाल उठाया करते थे। वर्ष 2010 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रवक्ता और चुनावी मामलों के विशेषज्ञ जीवेल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी जिसका नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। जीवेल नरसिम्हा राव ने अपनी इस किताब में ईवीएम्स पर सवाल उठाए थे और कहा था मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपवाद नहीं है। अब हम वापस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं और आपको यह बताते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे क्या मंशा हो सकती है और आपको अपने आप जो तार हैं आप अपने आप उनको जोड़ लेंगे। पहली बात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग के ऊपर देखिए, चुनावों से ठीक पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिससे ईवीएम्स की विश्वसनीयता एक बार फिर सवालों के घेरे में आ जाए और ये विपक्षी दलों का एक बहुत बड़ा एजेंडा अभी तक का रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश में बैठकर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र पर किया गया एक बहुत बड़ा हमला है।
दूसरी जो दुख की बात है वो ये है कि इस मामले की रिपोर्टिंग हमारे भारत के ही मीडिया में बहुत जल्दबाजी में की जा रही है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारे देश का मीडिया लगातार इस खबर पर आ गया और ये जो आरोप लगाए गए उनको उन्होंने सच मान लिया। एक अनजान और अपना चेहरा छुपाने वाले हैकर पर बिना सबूत मांगे आंख बंद करके हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों ने इसे सही मान लिया और लगातार इस खबर को फ्लैश करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा गौरी लंकेश नाम की एक पत्रकार थी, अब यह हैकर कह रहा है कि गौरी लंकेश की भी हत्या इसीलिए हुई क्योंकि वो इस हैकिंग के बारे में छापने वाली थी अपनी पत्रिका में। अब आप याद कीजिए 2004 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था, तब कोई सवाल नहीं उठे थे। 2004 में कौन जीता था चुनाव, आपको याद होगा यूपीए जीती थी। उसके बाद अगला चुनाव भी ईवीएम के जरिए 2009 में हुआ, तब भी सवाल नहीं उठा क्योंकि तब एक बार फिर से यूपीए जीती। लेकिन 2014 में जब एनडीए की जीत हुई तब असल में ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हुए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने बीजेपी की चुनाव हैक करने में मदद की है। यानी रिलायंस का मतलब आप समझ लीजिए रफाल से उसे जोड़ा गया है, यानी जिस आदमी ने ये पूरी पटकथा तैयार की है वो आदमी विपक्ष का कोई बहुत ही जानकार व्यक्ति हो सकता है जिसने भारत के चुनावी एजेंडे के हिसाब से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की संरचना की है, क्या आरोप लगाए जाएंगे ये तय किया है। हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार ऐसे हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कहते हैं मानेंगे नहीं सर्जिकल स्ट्राइक जब तक आप हमें सबूत नहीं देंगे। अफजल गुरु जैसे आतंकवादी की जब फांसी दी जाती है तब उसके सबूत मांगते हैं, उन्हें हर चीज का सबूत चाहिए। लेकिन आज इस हैकर से किसी ने कोई सबूत नहीं मांगा और इसने ना ही कोई सबूत पेश किया है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत में जरूर एक तूफान ला दिया है। इससे आपको यह पता चलेगा कि भारत की जो पूरी व्यवस्था है खासतौर पर मीडिया वो कितना फ्रेजाइल है और कितनी आसानी से कोई भी कही हुई बात को मान लेता है, जिसको अंग्रेजी में सेंसेशनलिज्म भी कहा जाता है। शुरुआत में आज हमने यह सोचा था कि हम इस खबर को आज डीएनए में शामिल ही नहीं करेंगे क्योंकि इस खबर का कोई आधार नहीं है, इस खबर के पीछे कोई पुष्टि नहीं है, हम कह नहीं सकते ये सही है या गलत है। लेकिन धीरे धीरे इस खबर ने इतना जोर पकड़ लिया, ये खबर इतनी ऊपर आ गई कि हमें इस खबर को लेना पड़ा और हमने ये सोचा कि ये खबर तो हम लेते हैं लेकिन इस खबर की, बल्कि खबर क्या ये एक मजाक है, इस मजाक की का असलियत, इसकी जो सच्चाई है वो जरूर हमें आप तक पहुंचानी चाहिए। इसलिए आज आप ये मत समझिएगा कि डीएनए की शुरुआत हमने इस खबर से की है तो इस खबर में कोई मेरिट है, इस खबर में कोई मेरिट नहीं है, ये एक मजाक है। लेकिन हमारी मजबूरी इसलिए है क्योंकि देश के लोग शायद इस झूठे मजाक पर विश्वास करने लगेंगे, इसलिए आज सबसे पहले इसकी शुरुआत की ताकि आपको हम सावधान कर सकें, आपको हम बता सकें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत बड़ा एजेंडा लगता है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता कपिल सिब्बल तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नजर भी आ रहे हैं, ऐसी उन्हें क्या दिलचस्पी थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो स्वयं वहां ये सब देखने के लिए पहुंच गए और बहुत आनंद के साथ वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं क्योंकि उन्हें ये सब कुछ सूट करता है। और टाइमिंग हम आपको बता ही चुके हैं कि कुछ दिन के बाद चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव से पहले एक अलग तरह का एजेंडा सेट करने की कोशिश है। और सबसे जो गंभीर मामला है जिसे आपको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए इस खबर में, वो ये है कि इस बार शायद पहली बार भारत के लोकसभा चुनावों का एजेंडा भारत से बाहर अमेरिका में और लंदन में सेट किया जा रहा है। इससे पहले आपने बहुत बार ऐसे आरोप सुने होंगे कि हमारे देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतें बहुत सक्रिय रहती हैं, लोग कहते थे इसमें विदेशी हाथ है। लेकिन आज शायद पहली बार आप ये देख पाएंगे कि भारत के चुनावों का एजेंडा सेट करने के लिए आज विदेशी धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लंदन से उसके तार जुड़े हैं और अमेरिका से उसके तार जुड़े हैं। ये वाकई एक गंभीर बात है क्योंकि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आपने सुना होगा, कैसे सोशल मीडिया के जरिए चुनावों को प्रभावित किया जाता है, कैसे झूठे आरोपों के जरिए, झूठी जानकारी के जरिए, फेक न्यूज के जरिए चुनावों को प्रभावित किया जाता है, ये उसी दिशा में एक कदम है। इसलिए आपसे कह रहे हैं सावधान रहिएगा। वैसे तो कश्मीर घाटी में आए दिन इस तरह के एनकाउंटर होते रहते हैं लेकिन आज का ऑपरेशन थोड़ा अलग है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहद खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बीच ये एनकाउंटर करना पड़ा। बर्फबारी के बीच एनकाउंटर कैसे होता है
आज हम आपको दिखाएंगे। इस दौरान हमारे जवानों को अपने सीने पर पत्थरबाजों के पत्थर भी झेलने पड़े। यहां सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस में देश के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की हालत खराब हो जाती है। ठंड से लोग कांपने लगते हैं और अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, लेकिन हमारे सैनिक -11 डिग्री सेल्सियस में बर्फ के बीच आतंकवादियों की गोलियों का सामना करते हैं और अपनी तरफ फेंके गए पत्थरों को भी बर्दाश्त करते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद इनके होश में, इनके जोश में कोई कमी नहीं आती। भारी बर्फबारी के बीच भी भारत के सुरक्षा बलों को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में लगातार सफलता मिल रही है और यह उनकी नई रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत ठंड के मौसम में भी काउंटर टेरर ऑपरेशंस को जारी रखने का फैसला लिया गया। यानी मौसम खराब है, सर्दी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, लेकिन एनकाउंटर्स रुकेंगे नहीं। बर्फ की आड़ में घुसपैठ करने वाले आतंकवादी अपने हाइडआउट्स यानी छिपने वाली जगह से बाहर निकलते हैं और खुद को एक्सपोज कर देते हैं, और इसी वजह से उन्हें मारने में आसानी होती है, परेशानी नहीं होती। पिछले 2 महीनों में सुरक्षा बलों ने 62 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है और यह सिलसिला लगातार जारी है। ठंड के मौसम में आतंकवादी अक्सर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में रहते हैं। वो जंगल और पहाड़ी इलाकों से निकलकर छोटे कस्बों और गांवों के रिहायशी इलाकों में छिप जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो सुरक्षा बलों की नजरों में ना आ सके, क्योंकि बर्फ से ढके ठिकानों में छिपे होने की वजह से उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर उनके पैरों के निशान। सेना की पेट्रोल पार्टी को बर्फ पर मौजूद पैरों के निशान देखकर बड़ी आसानी से आतंकवादियों के छिपे होने की जगह और उनकी संख्या के बारे में पता चल जाता है। तमाम आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आतंकवाद विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों की रणनीति कामयाब हो रही है और जुलाई 2018 में 15 वर्षों के इंतजार के बाद शुरू किए गए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस में भी सफलता मिली है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इस वक्त घाटी में मौजूद करीब 250 आतंकवादियों के दिन भी बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। इस सफलता की एक बड़ी वजह है भारतीय सेना और उसके सुरक्षा बलों का जोश। आपने ध्यान दिया होगा, इन दिनों लगातार एक डायलॉग है जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। लोग एक दूसरे से आजकल पूछ रहे हैं, हाउ इज द जोश? और ये सवाल पूछने वालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किया था और उस वक्त उन्होंने वहां मौजूद फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों से यही सवाल पूछा, हाउ इज द जोश? वहां मौजूद लोगों ने सवाल का वही जवाब दिया जो आमतौर पर एक भारतीय सैनिक देता है। आप भी देखिए। आज जब आप सभी नए भारत के नए सिनेमा को गढ़ने में जुटे हैं, तब मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि इसमें काफी सभी पीढ़ियां हैं, इसमें पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग भी हैं, और इसलिए मेरे मन में एक सवाल है और आप ही के बीच आया हूं तो शायद वो ज्यादा उसी तरीके से अच्छा रहेगा। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आजकल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को नए भारत का आइडिया दे रहे थे और हाउस द जोश के जवाब में मिला हाय सर का रिस्पांस, उसकी एक छोटी सी झलक। हालांकि खून में उबाल लाने वाले इस जोशीले सवाल का असली मतलब समझना है तो आपको भारत के सुरक्षा बलों के पराक्रम को करीब से महसूस करना होगा। 17,000 फीट की ऊंचाई से लेकर दुर्गम से दुर्गम इलाकों तक दुश्मनों के लिए साक्षात यमराज हैं भारत के सुरक्षा बल। कम से कम जम्मू कश्मीर के बडगाम में हड्डियां गला देने वाली ठंड और बर्फीले मौसम में इंसानियत के दुश्मनों के सफाई अभियान में जुटे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की ये तस्वीरें तो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। वो आए थे घुसपैठ करके हिंदुस्तानियों का खून बहाने, लेकिन भारत के सुरक्षा बलों के जोश के आगे उनके ये सारे नापाक इरादे ठंडे पड़ गए।
ये मुठभेड़ जो है आज मध्य रात्रि में एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया हापतनार इलाके में। जो ये नाला बह रहा है आप देख रहे हैं, यही नाला है जो वहाँ कनेक्ट होता है, और इसी के बीच में एक जो है हाइड आउट बस्ट किया गया, और उस हाइड आउट में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे। उन मिलिटेंट्स को जैसे ही घेरे में ले लिया गया और जो सर्चिंग पार्टी है वो जैसे ही नज़दीक पहुँची उस पहाड़ी के साथ, और वहाँ पर मिलिटेंट्स ने सर्चिंग पार्टी पर जो है फायरिंग खोल दी और जवाबी कार्रवाई हुई और एक मुठभेड़ शुरू हुई। करीबन सुबह 8:30 बजे के करीब जो है ये मुठभेड़ शुरू हुई। हालांकि सुरक्षा बलों के लिए ये ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ आसमान से गिरती सफेद आफत थी, दूसरी तरफ बिल में छिपे आतंकवादी थे, और तीसरी तरफ पत्थरबाजों की वो फौज थी जो सुरक्षा बलों के काम में रोड़ा अटकाने का काम कर रही थी। लेकिन बडगाम के चारी शरीफ के जिन पंचाल इलाके में सुरक्षा बलों ने मौसम को भी हराया, आतंकवादियों के मंसूबे भी नाकाम किए और पत्थरबाजों पर भी काबू पा लिया। वैसे आतंक विरोधी अभियान वाले काम ने पिछले 2 सालों से काफी तेजी पकड़ी है, खासतौर पर नवंबर और दिसंबर 2018 में आतंकवादियों की सारी हेकड़ी निकाल दी गई है। नवंबर में 40 आतंकवादी मारे गए तो दिसंबर में 19 को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया, और यही सिलसिला जनवरी 2019 में भी जारी है। ये भी कहा जा सकता है कि पिछले 30 महीने कश्मीर घाटी में मौजूद आतंकवादियों के लिए किसी प्रलय से कम नहीं थे, और इसमें काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का बहुत बड़ा हाथ है। वर्ष 2018 में आतंकवादी गिरोहों के 9 टॉप कमांडर्स का खात्मा किया गया, और जिस रफ्तार से भारत के सुरक्षा बल काम कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि बचे हुए आतंकवादियों का अंत भी बहुत नजदीक है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस रिपोर्ट के बाद हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि कांपती सर्द रातों में कम से कम एक बार सुरक्षा बल के उन जवानों के बारे में जरूर सोचिएगा जो -11 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी सिर्फ आपकी रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं और आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे हैं।